नमस्कार दोस्तों, गुरुजी ज्ञान चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक और टॉपिक के साथ एक नई वीडियो आ गई है दोस्तों। ये टॉपिक है इतिहास के स्रोत, यानी यदि आप इतिहास का अध्ययन करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको उसके स्रोतों के बारे में ज़रूर अध्ययन करना होगा। इस वीडियो में मैं आपको अपनी पूरी कोशिश के साथ इसके स्रोतों से अवगत कराने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो को देखकर काफ़ी मज़ा आएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इतिहास के स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास को इतिहास हम किस अर्थ में मानते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो इसके दो स्रोत उभर कर हमारे सामने आते हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत। तो दोस्तों, जो व्यक्ति इतिहास का अध्ययन करता है उसे पुरातात्विक या इतिहासकार कहा जाता है। तो अब सवाल उठता है दोस्तों कि पुरातात्विक या इतिहासकार कौन होता है। तो दोस्तों, यहाँ इसका अर्थ यही है कि पुरातात्विक या इतिहासकार वही व्यक्ति होता है जो इतिहास के स्रोतों का अध्ययन कर इतिहास को जन्म देता है या इतिहास के अध्ययन को संभव बनाता है। तो दोस्तों, पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन कर कर ही एक इतिहासकार इतिहास का अध्ययन करता है। पुरातात्विक स्रोत इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आगे मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो स्रोत आते हैं वह हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत भी इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, लेकिन दोस्तों साहित्यिक स्रोत हमेशा पुरातात्विक स्रोतों के बाद ही इतिहास में अध्ययन किए जाते हैं और ये बहुत बात में विकसित हुए हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आपको इस बात को याद कर लेना चाहिए कि जब भी हम प्राचीन इतिहास या इतिहास का अध्ययन या उसके आरंभ की बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले इतिहास का जो अध्ययन होता है वो पुरातात्विक स्रोतों के अध्ययन से शुरू होता है। अब दोस्तों बात करते हैं पुरातात्विक स्रोतों की। तो दोस्तों, पुरातात्विक स्रोत बेसिकली वही स्रोत हैं जो इतिहास के व्यक्ति के जीवन से संबंधित हैं, यानी ये वह स्रोत हैं जिनका उपयोग व्यक्ति अपने जीवन में ज़रूर करता है और इन्हीं स्रोतों का प्रयोग कर हम उसके जीवन की आदतों के बारे में, उसके जीवन के समय के समाज के बारे में, उसके रहन सहन के बारे में जान सकते हैं। इन्हीं को ही पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। तो इसमें प्रमुख रूप से शामिल होते हैं ईंट, इमारतें, पत्थर, लोहे की वस्तुएं या किसी अन्य प्रकार के इस्पात की वस्तुएं, सिक्के, मोहरें, पालतू जानवर, उनके अनाज के दाने इत्यादि। तो दोस्तों, जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं इनके माध्यम से हम इतिहास में चल रहे विशेष कालखंड का पता लगा सकते हैं, उसके समाज के बारे में जान सकते हैं, उसके लोगों के रहन सहन, खाने पीने के बाद आदतों के बारे में जान सकते हैं, बेसिकली उसकी संस्कृति के बारे में हम इन स्रोतों के माध्यम से जान सकते हैं। यहाँ दोस्तों अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख पुरास्थलों से कई प्रकार के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं, जिसमें हमें मुख्यतः वहाँ अलग अलग प्रकार की ईंटें मिली हैं, वहाँ विशेष प्रकार की इमारतें मिली हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो में एक विशेष प्रकार का कुआं मिला है, एक विशेष प्रकार के अग्निकुंड मिले हैं जो हमें इस बात का अंदाज़ा लगाने में मदद करते हैं कि जो लोग बाग होते हैं वह किस प्रकार से कुओं का उपयोग करते थे, अग्निकुंड का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता था। इसके साथ ही साथ हमें कई मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, इसके साथ ही साथ चित्र प्राप्त हुए हैं, इसके साथ ही साथ मोहरें मिली हैं। तो दोस्तों, ये पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं ये वही स्रोत हैं जो लोगों के दैनिक जीवन के बारे में हमें जानकारियाँ देते हैं कि लोगों का जीवन इस प्रकार का इस समय हुआ करता था, लोग इस प्रकार के खाना खाया करते थे, इस प्रकार के घरों में रहा करते थे या इस प्रकार से अपने जीवन जिया करते थे। दोस्तों, अगर हम बात करें
इन स्रोतों की ही, तो एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको रखना चाहूँगा। आप सभी ने, मैं आशा करता हूँ आप सभी ने, अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो ज़रूर पद्मावत मूवी देखी होगी। दोस्तों, आपने कभी मूवी देखते हुए ध्यान दिया है कि पद्मावत मूवी में उसी प्रकार के कालखंड को या उस समय के कालखंड को दर्शाना कितना कठिन रहा होगा। दोस्तों, किसी भी इतिहास पर आधारित मूवी को बनाने से पहले उस पर विशेष अध्ययन किया जाता है, एक गंभीर रिसर्च की जाती है, तभी उस मूवी को आगे पर्दे पर आपको दिखाया जाता है। दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा कि उस मूवी में विशेष प्रकार के कपड़ों को दिखाया गया है, विशेष प्रकार के लोगों के स्वभाव को दिखाया गया है, लोग किस प्रकार लंबे लंबे बालों को रखते थे, किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, किस प्रकार के हथियारों का वह इस्तेमाल कर रहे हैं, किस प्रकार वह एक विस्तारवादी नीति को अपने दिमाग में डाले हुए हैं और किस प्रकार से एक खूनी संघर्ष को उसमें दिखाया गया है, किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी है उसको कितना क्रूर रूप हमको दिखाया गया है। तो दोस्तों, ये सभी जो स्रोत होते हैं, ये सभी जो अध्ययन होते हैं, ये पुरातात्विक स्रोतों के बल पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों की। तो दोस्तों, यहाँ आपको एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि साहित्यिक स्रोत पुरातात्विक स्रोतों के बाद ही जन्मे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो साहित्यिक स्रोत भी पुरातात्विक स्रोत ही हैं। साहित्यिक स्रोत विशेषता लिपि के विकास से संबंधित हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि लिपि कितनी पुरानी है, तो लिपि दोस्तों बहुत पुरानी है। हाँ, लेकिन ये इतनी पुरानी नहीं है जितने पुरातात्विक स्रोत पुराने हैं, क्योंकि मानव जन्म से ही लिपि का विकास तो नहीं कर सका होगा। उसने पहले जन्म लिया है, पहले अपने जीवन को जिया है, उसके बाद ही उसने किसी एक विशेष प्रकार की लिपि को जन्म दिया है। दोस्तों, जब आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि साहित्यिक स्रोत तभी जन्मे हैं जब लोगों में शिक्षा के प्रति विकास बढ़ा है। जैसा कि आप देखते हैं कि एक बच्चा पहले जन्म लेता है, वो स्कूल जाता है, 5 से 6 साल तक स्कूल में शिक्षा लेता है, उसके बाद जब वह एक लिपि को जानने लग जाता है तो वह खुद अपने अनुभवों को लिखता है, अपनी किताबों से पढ़ता है और अपने एग्ज़ाम वगैरह देकर आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से इतिहास भी है। सबसे पहले लोग बागों ने अपना अपना समाज बनाया, अपने जीवन को जिया, जंगलों में रहे, घुमक्कड़ पर्वति के वे लोग थे, उन्हें खानाबदोश पुकारा गया, वे एक स्थान पर कभी टिक कर नहीं रहे। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे उन्होंने कृषि को जाना, पालतू जानवरों के बारे में सीखा और एक स्थायी जीवन की ओर वह बढ़ना शुरू हुए, तो वैसे वैसे उन्होंने अपने दिमागी विकास पर भी बल देना शुरू किया। उन्होंने कम्युनिकेशन के स्तर को बढ़ाने के लिए लिपि का विकास किया। तो उसी प्रकार से साहित्यिक स्रोतों का जन्म हुआ। साहित्यिक स्रोतों में विशेषता पांडुलिपियाँ, अभिलेख, धार्मिक ग्रंथ, दंत कथाएँ और स्मृति आदि शामिल हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं पांडुलिपि की, तो पांडुलिपि एक विशेष प्रकार का साहित्यिक स्रोत है। पांडुलिपि, जिसे अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द से जाना जाता है, जिसका हिंदी रूपांतरण होता है हाथ से लिखित। तो दोस्तों, इतिहास में पांडुलिपियों को एक विशेष पत्ते पर लिखा जाता था जो हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है, जिसे भुर्ज नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर आप कहें कि पत्ता, जो कि एक नाशवान वस्तु है जो जल्दी नाशवान हो सकती है, हाँ ये बात सही है कि वह नाशवान वस्तु है, लेकिन कुछ पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं जिसे हम अपनी खुशकिस्मती मान सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, अभिलेख, आपने अभिलेखों के बारे में बहुत अधिक पढ़ा होगा। जब भी आपने अशोक का नाम सुना होगा तो आपने अभिलेखों को ज़रूर सुना होगा। दोस्तों, ये अभिलेख कभी कभार राजाओं के द्वारा लिखवाए जाते थे कि वे अपने आदेश को जनता तक पहुँचाना चाहते हैं, कभी कभार आम जनता भी अभिलेखों को लिखवाती थी। दोस्तों, ये अभिलेख जो होते थे ये किसी ऐसी कठोर वस्तु पर लिखे जाते थे जो अधिक समय तक चले या जो कम नाशवान हो। उदाहरण के लिए, इसे पत्थरों पर
एक तरीके से गुदवा कर लिखवाया जाता था ताकि ये लंबे समय तक चले और इस पर लिखित संदेशों को जनता आसानी से पढ़ सके। अभिलेखों का इतिहास में बहुत अधिक महत्व है। जैसा कि मैंने अभी आप सभी को बताया कि अशोक ने किस प्रकार से अभिलेखों का प्रयोग किया है, ये इतिहास में उल्लेखनीय है। इसके साथ साथ दोस्तों दंत कथाएँ ये भी महत्वपूर्ण हैं, धार्मिक ग्रंथ ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, स्मृतियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपने कई राजाओं की जीवन परिचय को पढ़ा होगा कि किस प्रकार से उन्होंने अपने युद्धों के बारे में लिखवाया है, किस प्रकार से वे राजकवियों को अपने राज्य में रखते थे, उन्हें किस प्रकार से मानसिक वेतन दिया जाता था इस प्रकार की वस्तुओं को लिखने का। तो दोस्तों आज हम जिस प्रकार के इतिहास की बात करते हैं उसको इतिहास इतिहास बनाता है उसके स्रोत, ये स्रोत आज भी हमारे जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यदि हम बात करें 19वीं शताब्दी की या हम बात करें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की, तो दोस्तों हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को हमने अपनी आँखों से तो देखा नहीं, लेकिन दोस्तों वो स्रोत ही हैं जो हमें उस कालखंड में ले जाते हैं, उस समय में ले जाते हैं और उस समय को जीने का एक मौका देते हैं। दोस्तों आज हम सभी ने मंगल पांडे के जीवन के बारे में बहुत सी बातों को जाना है, सीखा है, लेकिन दोस्तों क्या ये संभव था कि हम 100 साल पहले जाकर मंगल पांडे के जीवन को जानते समझते। ये इतिहास ही है दोस्तों, इतिहास के स्रोत ही हैं जिसने हमें एक स्वतंत्रता सेनानी, महान स्वतंत्रता सेनानी के जीवन को जीने का, उससे कुछ समझने का, सीख लेने का मौका दिया। उसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है दोस्तों। ये सब किस कारण संभव हुआ है? ये सब संभव हुआ है इतिहास के स्रोतों के कारण। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको स्रोतों के बारे में बेसिक जानकारी मिल गई होगी। यहीं मैं इस वीडियो को स्टॉप करना चाहूँगा और आगे आपको एक नई वीडियो के माध्यम से इतिहास के एक और रोचक पहलू से परिचित कराने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।